हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम जगदीश है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी स्टिक के बारे में बताना चाहता हूँ जो ट्रैकिंग और हैकिंग में काम आती है। अधिकतर लोग पहाड़ों में जाना बहुत पसंद करते हैं, घूमना फिरना बहुत पसंद है उनको, लेकिन जितना पसंद हमें पहाड़ों में जाना है, क्या उतना ही पसंद हम अपने आप की केयर करने में रखते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आज आपको एक हाइकिंग और ट्रैकिंग स्टिक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये वो स्टिक है, आप लोग पहले भी गए होंगे, आपने काफी लोगों को देखा होगा इसको यूज करते हुए पहाड़ों में, टीवी में, नाटक प्रोग्राम्स में। ये ज्यादातर जैसे एक मूवी थी माउंट एवरेस्ट, उसमें काफी इस्तेमाल हुई है ये स्टिक, और इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जब हम ट्रैकिंग और हैकिंग करने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये स्टिक असेंबल और अनअसेंबल कैसे होती है, इसको खोलना, इसको पैक करना कैसे यूज किया जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये इसके ऊपर एक कंपनी का नाम है आउटडोर, ये कंपनी का नाम है जो इस स्टिक को बनाती है। सबसे पहले मैं आपको इसको बताना चाहूंगा कि इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो इसका पहला लॉक है, हम इसको देखेंगे इसको अनलॉक कैसे करना है। ये ऊपर लॉक है इसका, इसको आपने हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करना है इस तरीके से। अभी ये जो है आपका अनलॉक हो गया। अब आपको जितनी हाइट करनी है इसकी स्टिक की, आप उतनी हाइट कर सकते हैं। देखिए ये आपकी हाइट से मेंटेन करता है कि आप कितनी इसको कंफर्टेबल रहेगा लंबा करना। तो इसका एक बॉर्डर लाइन होता है, ये जैसे लिखा हुआ स्टॉप। अगर आप इससे ऊपर इसको करते हैं और यहां पर लाके इसको लॉक कर देते हैं तो ये आपके लिए भी और आपकी स्टिक के लिए डेंजर होगा, क्योंकि ये बीच में से जब आपका प्रेशर पूरा पड़ेगा बॉडी का तो ये बीच में से ऐसे ब्रेक हो सकती है। तो इसको ध्यान रखना है कि कभी भी आपने जब इस स्टिक को यूज करना है तो प्लीज आप इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा जहां पर स्टॉप लाइन होती है। स्टॉप लाइन जहां पर है उससे जस्ट जैसे 135 सेंटीमीटर लिखा है तो यहां आपने लॉक करना है, तो इसको यहां रख के इस तरीके से लॉक कर देना है। अभी ये जो स्टिक है अभी ये रेडी है यूज होने के लिए, लेकिन इसमें एक बात और है, क्योंकि काफी लोग काफी लंबे होते हैं, उनकी हाइट बहुत लंबी होती है, कोई 7 फुट का होता है, कोई 6.5 फीट का होता है, तो उसके हिसाब से तो ये स्टिक बहुत छोटी है। जैसे कि मेरी 5-6 की मेरी हाइट है, लेकिन मैं इसको चलने में यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मालूम मुझे जब रॉक में ऊपर चढ़ना है, पहाड़ में ऊपर चढ़ना है, तो मुझे अपनी स्टिक को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। जब मैं इस तरीके से करूंगा तो ये मेरा हाथ डाउन में जाएगा और मेरे को चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है। दूसरी बात है, ये अभी आपने इसका पहला पार्ट देखा जो ये इतनी लंबी होगी, इसका अभी दूसरा सेक्शन बाकी है, वो ये है। दूसरा सेक्शन क्या है, आप इस स्टिक को और भी लंबी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले जो इसका लॉक को आपने हल्का सा पुश करना है ऊपर, ये खुल जाएगा, उसके बाद इसका जो दूसरा सेक्शन है वो बाहर आएगा ये इस तरीके से। इसमें भी आपको ऊपर एक स्टॉप लाइन नजर आएगी। मैं बार बार इसलिए आपको इसके बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं, जल्दबाजी में इसको इसी जगह में लॉक, जैसे मान लो अभी यहां करके मैंने लॉक किया यूं, अगर मैं इसको यूज करता हूं तो मेरी बॉडी का जो प्रेशर है वो इस स्टिक पे नहीं, इसके ज्वाइंट पे पड़ेगा, और जब इसके ज्वाइंट पे पड़ेगा तो ये ब्रेक हो जाएगी, इसमें हमें चोट लगने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो हमें ध्यान रखना है इसको स्टॉप लाइन से नीचे ही रखना है स्टिक को, इस जगह में अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो अभी ये क्या है, कंप्लीट आपकी ट्रैकिंग और हाइकिंग स्टिक बन चुकी है। अभी देखिए, पहले इसकी हाइट समथिंग कुछ और थी, अभी कुछ और है, और मुझे पकड़ने में भी बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, और अगर मैं थोड़ा वॉक करता हूँ इसको लेके तो बहुत अच्छा है। और इसकी एक और खास बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसके अंदर एक मेन पॉइंट है आपका जो इसको ग्राउंड को कवर करता है। ग्राउंड को कवर कैसे करता है, देखिए अगर आप पहाड़ी वाले रास्ते में जाते हैं, पहाड़ वाली जगह में जाते हैं, तो पहाड़ वाली जगह में अक्सर आपने जूते देखे होंगे रबड़ के होते हैं, क्योंकि वो फिसलते नहीं है। तो इसी तरीके से इस स्टिक के अंदर भी एक ऐसा गुट दे रखा है, ऐसा वॉट दे रखा है, जिससे कि हम लोग जब पहाड़ों में चलते हैं तो वो हमें सुरक्षा रखे इससे फिसलने से। अभी जब हम इस कैप को लगा देते हैं तो हम रॉक वाले एरिया पे चल सकते हैं, मतलब जो रॉक टाइप का पथरीला रास्ता है उसमें हम जब इसको यूज करेंगे तो ये स्टिक स्लिप नहीं होगी। स्लिप नहीं होगी बोलने से, देखिए अभी ये जैसे मैं फ्लोर पे इसको लगा रहा हूं तो मैं पूरा प्रेशर दे रहा हूं इसको स्टिक को करने के लिए, लेकिन ये स्टिक आगे नहीं जा रही है, ये अपनी ही जगह पर है। ये चीज है आपकी रॉकिंग के लिए। और दूसरी चीज, अगर मैं इसको निकाल देता हूं यहां से,
निकालने के बाद अभी ये जो चीज है, ये पॉइंट आपको बचाती है, आपको सेफ्टी जो देती है, देखिए कीचड़ से भरे हुए रास्ते, दलदल टाइप का रास्ता, पथरीला और जैसे फिसलने वाला जो एरिया जो होता है उसमें, ये पानी वाले रास्ते में ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, क्योंकि ये जमीन में प्रॉपर अच्छी तरीके से गड़ जाती है। इसको जब आप थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो ये नीचे गड़ जाएगी जमीन के अंदर, ये बिकॉज इधर तो फ्लोर है इसलिए तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप जब इसको लेने के बाद यूज करेंगे तो आपको ये अच्छा एक्सपीरियंस देगी। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी दोस्तों जो मैंने आपको दी है। और कभी भी आप ट्रैकिंग या हाइकिंग में जाते हैं तो ये स्टिक को लेके जाइए, ये हर एक स्पॉट स्टोर में मिल जाएगी। और इसकी जो कीमत है वो 1200 और समथिंग, इसका जो मैक्स प्राइस है 2000 तक आपको मिल जाएगी, बहुत बढ़िया कंपनी की आपको। इसी तरीके से और भी मेरे पास स्टिक्स हैं जिसके बारे में मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं आपको कि उसको कैसे यूज किया जाता है। ये तो है पहली स्टिक जो मैंने आपको बताया, सेम वर्क दूसरी भी स्टिक काम करती है लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे कि मेरे पास ये डीकैथलॉन का है, इस स्टिक पे आप नाम देख सकते हैं। ज्यादातर डीकैथलॉन जो है केचुआ का प्रोडक्ट बेचता है, जैसे ट्रैकिंग बैग हो गया, ट्रैकिंग स्टिक हो गया, लाइटें होगी और भी बहुत सारे सामान जो हम पहाड़ों में जाके सरवाइव करते हैं उनमें हमें जरूरत पड़ जाती है। तो ये भी है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये थोड़ा सा डिजिटल इंडिया कहते हैं कि अभी डिजिटल इंडिया की लहर चली हुई है, तो ये डिजिटल इंडिया है। तो ये तो आपको सिंपल नॉर्मल था कि इसका लॉक जो था आपने खोलना था और बस पुश करना था, ये चीज तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी है, बहुत अच्छी है और ज्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं ट्रैकिंग में लेके जाना। इसका सिस्टम जो है, आप जरा लॉक की तरफ देखेंगे, अगर हम इसको इस तरीके से राइट टर्न करते हैं तो ये लॉक हो जाता है, और अगर हम इसको इस तरीके से लेफ्ट टर्न करते हैं तो ये अनलॉक हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, जैसे आपने इस स्टिक को खोलना है तो इसको पहले आप अनलॉक करेंगे, क्योंकि अब ये लॉक मोड पे, तो मैं इसको अनलॉक कर रहा हूं, तो देखिएगा आप ध्यान से मेरे हाथों की तरफ देखिएगा मैं किस तरीके से घुमा रहा हूं इसको, ये इस तरीके से, ये मैंने ऐसे घुमाया मतलब लेफ्ट टाइम में, इसको जब हम घुमाएंगे तो ये अनलॉक हो गया। अब ये स्टिक धीरे 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 बढ़ जाएगी, आपके मुताबिक जितना आपको सुविधा होता है आप उतनी इसको बड़ी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी वही सेम कि आपने बॉर्डर लाइन को देखना है, जहां पर स्टॉप है उससे ऊपर नहीं जाना है, सेंटीमीटर जहां आपको लगता है कंफर्टेबल होता है उससे नीचे, क्योंकि ये जो रेड जोन है ये रेड जोन डेंजर जोन है, क्योंकि अगर इससे ऊपर आप अगर करते हैं तो ये स्टिक आपकी टूट सकती है। तो उसी मुताबिक जैसे मैंने आपको बताया, अभी जैसे इसको करना है आपने, इसमें कोई लॉकिंग सिस्टम तो नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ मूव करना है। मान लो मुझे 120 पे करना है इसको, तो मैं इसको यहां लाके इसको राइट टर्न में घुमाऊंगा, जब इस स्टिक को राइट में घुमाऊंगा मैं तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, और जब आप इसको करेंगे तो आपको इसको थोड़ा हार्ड फील होगा, जैसे कोई हार्ड चीज को हम टाइप कर रहे हैं, तो ये यहां पर लॉक हो चुकी है। ये इसका दोस्तों पहला पार्ट है, केचुआ की डीकैथलॉन की ये स्टिक है, मैंने भी यूज करी है, बहुत अच्छा देती है। और इसका दूसरा पार्ट जो है इसी के अंदर छुपा हुआ है, वो कैसे है, जो जैसे सेम मैंने आपको बताया उसी तरीके से इसको भी लेफ्ट राउंड लेना है इस तरीके से, और जब आप लेंगे तो ये अनलॉक हो जाती है और इसके अंदर एक स्टिक और है। क्या बात है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसको डिस्क्राइब करने में, पता नहीं आप लोगों को आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये भी सेम ही है, लेकिन जब मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे लगता है मन कर रहा है मेरा तो अभी पहाड़ों में चला जाऊं। ये इस तरीके से मैंने इसको लॉक किया है, अभी ये जो है मेरे हाइट के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट है। और दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इस स्टिक के बारे में, इसके अंदर जो ये मेन रोल है, जब आप स्नो के अंदर चलते हैं, बर्फ के अंदर चलते हैं, तो आपको इससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ये आपका बहुत ज्यादा साथ देती है, क्योंकि जब ये झाड़ी या बर्फ के अंदर फंसती है तो ये चीज इस तरीके से रोक लेती है, स्टिक को नीचे नहीं जाने देगी, क्योंकि ये इसको इस तरीके से रोक के रखेगी, आपका प्रेशर बॉडी का जितना लगेगा लेकिन ये उसको फंसा के रखेगी इस तरीके से। ये तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, तो क्योंकि स्टिक मार्केट में बहुत आती है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इसको डीकैथलॉन से लिया था, केचुआ करके। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज ऊपर सब्सक्राइब का पॉइंट है उसको आप क्लिक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।